हेलो दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। तीन दोस्तों की है ये कहानी। तीन दोस्तों बड़े खुशी खुशी पहाड़ पे हाइकिंग करने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे। पर उन तीनों दोस्तों में एक दोस्त तो बहुत बदमाश था। उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को पानी में नशे की दवाई मिला के उन्हें बेहोश करके उनका सारा सामान चोरी करके भाग गया। इस तरह से वो दोनों लड़कियां जंगल में अकेली रात को घबरा के डर के मारे जंगल में और अंदर चली गई। और अपने आप को सरवाइव करने के लिए, बचाने के लिए उसने क्या क्या किए, तो इस बारे में आगे आपको देखना होगा। तो आइए चल के देखते हैं ये कहानी। अब उनकी मुसीबतें शुरू ही होने वाली है। अब बदमाश दोस्त की बदमाशी शुरू होने ही वाली है। पानी पानी मैं पानी लाया हूँ। तो चाय मैंने पानी लाया। ये लो पानी लो। पूरा पीना सब पूरा पीना। अब थोड़ा आराम मिला। यस यस ऐसे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। जो ऐसे दोस्त होते हैं बदमाश दोस्त अपने दोस्तों को ही धोखा देते हैं। अरे अरे ये हम लोग कहाँ आ गए? ये कौन सी जगह है? इतना रात कैसे हो गया? वही तो, ये कहाँ आ गए हम लोग? अरे पवन दिखाई नहीं दे रहा है? अरे हाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा। पवन कहाँ गया? हमारा ज्वेलरी कहाँ गया? अरे वो सब गायब है। सामान, अरे हम लोग का सामान बैग कहाँ गया? हाँ कहाँ, लगता है चोरी हो गया। लगता है उस पवन ने कुछ किया है। अरे वो जो पानी था ना, उसमें उसने कुछ मिला के हम लोग को पिलाया, नशे का दवा सा डाला था। हम लोग बेहोश हो गया। अब हम लोग को पता नहीं, अब हम लोग कैसे जाएंगे घर? कुछ तुमको सुनाई दिया? कुछ आवाज आ रहा है? हाँ हाँ मुझे भी आवाज आ रहा है। फिर अगली सुबह। बाप रे कितना बड़ा जंगल है। वही तो, कैसे निकलेंगे? वही तो, इतना बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा चट्टान पहाड़ है, कितना भयंकर जंगल है। अगर हम लोग वहाँ से चढ़ेंगे तो यहाँ से गुड़क गुड़क के गिर जाएंगे हम लोग। चलो हम लोग वहाँ जाके देखते हैं, हो सकता है वहाँ जाके रास्ता पता चल जाएगा। चलो हाँ चलो चलते। Oh,
अरे बाप रे बाप, इसके आगे भी कितना बड़ा जंगल है। अरे अभी तो इतना दूर चले था, बहुत चलना पड़ेगा आगे। और कितना चढ़ना होगा ऊपर चट्टान के ऊपर, और कितना दूर चलना है। लॉल, अरे बहुत थक अरे ये देखिए, ये चीज कुछ मिला। वाओ, वाओ, ये देखो, ये खाली बोतल है। वाह, ये तो बहुत अच्छा चीज। वाह का बात नहीं, इसे हम रख लेते हैं, ये हमारे आगे चल के काम आएगा। चलो, कितना पसीना आ गया, चल चल के थक गए, इतना तेज धूप है ना। बोतल खोलो, आज ये काम आ जाएगा। मेरा पसीना है, इसे पी के हम अपना प्यास बुझा सकते हैं। ये बहुत ताजा पसीना है, आज ये मेरा काम आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पानी दो पसीना वाला पानी। चलो, मजा आ गया। बहुत भूख लग रहा है यार। अच्छा रुको, अभी हम खाना ढूंढते हैं। अरे ये देखो, ये कीड़ा, ये तुमको दिखाई दे रहा है? अरे हाँ, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा ही लेते हैं। अरे नहीं, पौष्टिक है लेकिन बहुत कसीला है। कोई बात नहीं, इसे जान तो बचेगा। दो पसीने वाला पानी दो। अच्छा लग रहा है। तो दिख रहा है, यानी कि अब हम लोग घर पहुंच सकते हैं। हाँ, चलो। अरे अरे ये देखो ये टट्टी है, इसका मतलब इंसान आसपास, इंसान का बस्ती सामने होगा। अब हम लोग जल्दी ही घर पहुंच सकते हैं। अरे ये देखो, ये रोड है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं घर। चलो अब हम लोग घर चलते हैं अपने। चलो चलो, ये हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। चलो घर पहुंच के हम लोग पवन को मजा चखाते हैं। हाँ, चलो चलो मजा चखाते हैं। इस तरह से उन लड़कियों ने अपने आप को बचाया, सरवाइव किया जंगल से। उन्हें कचरे में पड़ा हुआ एक बोतल मिला, उस बोतल से उन्होंने अपना पसीना भरा और उस पसीने को पी के अपनी जान बचाई। फिर अचानक उन्हें एक टट्टी मिला जो एक शुभ संदेश था। उन्हें टट्टी ने उन्हें रास्ता दिखाया और वो उस रास्ते से निकल गई। एक टट्टी ने उन लोगों की जान बचाई। इस तरह से इन लड़कियों की अपनी जिंदगी की संघर्ष की कहानी समाप्त होती है।